किसी जाति में भी हो सकता है, अमीर किसी जाति में भी हो सकता है। हमें तो वो देखना है ना कि जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड बैक माने जो बैक है उसको हाथ पकड़ के उठाना है। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अंग्रेज ने पहले भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटा, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम इंडिया में था नहीं। इस वक्त हमारी मौजूदगी ओरो डेंटल क्लिनिक में है और हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी सीधे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से बिहार में जातिगत आंकड़े जो पेश किए गए हैं उस पर उनकी क्या राय है। सर सबसे पहले तो आई वी टीवी में आपका स्वागत है। सर जिस तरीके से अभी जातीय गणना कराया गया, उनकी रिपोर्ट पेश की गई, तो काफ़ी लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं, जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सरासर गलत है, इस पर आपकी क्या राय है। देखिए आंकड़ों का खेल जो होता है ये आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है, और भारत जैसे देश में जहाँ सनातन धर्म से कोई चीज़ उदय हुआ है और धीरे धीरे ये जो सिस्टम था कास्ट का, आपको पता होगा कि ये कास्ट वर्ड जो है ये स्पेनिश वर्ड है, पोर्चुगीज़ का वर्ड है, ये भारत के लिए नहीं था। भारत में पहले वर्ण में भारत बटा हुआ था, वर्ण के हिसाब से लोगों का जो स्टेटस था वो देखा जाता था, और अंग्रेज जब भारत में आए तो उस समय 500 जो हमारे रियासतें थीं उसमें से 400 रियासतों के जो राजा थे वो शूद्र ही थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को लिखना शुरू कर दिया, जबकि ये कास्ट सिस्टम इंडिया में था नहीं। अंग्रेजों द्वारा ये 1871 के बाद उन लोगों ने जब भी बंटवारा करना शुरू किया तो उसमें कास्ट वर्ड को यूज़ करना शुरू किया, और इसी का कारण हुआ कि धीरे धीरे कास्ट शब्द पॉपुलर हो गया। नहीं तो भारत पहले वर्णों में बता था, जो चार हमारे जो वर्ण थे उसी में चलता था। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अंग्रेज ने पहले भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटा और उसके बाद उन्होंने ये कास्ट सिस्टम को भी ले आया, बहुत माइन्यूट स्केल पर भी अगर आप किसी को डिवाइड करेंगे तो ये सबसे बड़ा हथियार होगा। और आज के दिन में अगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर हम कास्ट की बात करते हैं या पिछड़े दलित की बात करते हैं, तो हमको लगता है कि आखिर इन 70 सालों में सरकार ने किया क्या। क्योंकि एक ही चीज़ हो सकता है कि या हम इकोनॉमिकली हम अपग्रेडेड हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, बस यही दो होना चाहिए। और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली जो अगर बैकवर्ड हैं तो उनको सरकार मदद करे, और जो सक्षम है उनको नहीं करे। अब वर्ण माने जाति के हिसाब से चीज़ों को बांटना, एक तरफ हम एक कंप्लीट यूनिटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस या इकोनॉमिकली फ्री माने जो एडवांस चीज़ें हैं उस पर अगर ये कर किया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं और उनकी जो कुर्मी समाज से वो आते हैं और उनकी जो भागीदारी है वो 2% बताई जा रही है। ऐसे में सर ये कहा जा रहा है कि जितनी जिसकी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो कहीं ना कहीं लालू यादव की तरफ से ये भी कहा गया है, तो आपको लगता है कि इन लोगों ने खुद ही जातिगत कराया और कहीं ना कहीं वो भी खुद ही फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि इस पूरे जो पॉलिटिकल सिस्टम का जब उदय हुआ इंडिया में तो इतने सारे गलत तरीके के सिस्टम्स जो डेवलप होते चले गए, और आज भी उसका रूप देखिए कि इतना बड़ा हो गया है कि अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। शायद अंग्रेज जब यहाँ से गए तो आज भी उनकी सारी पद्धति, उनके सारे सिस्टम्स हम लोग अभी तक फॉलो करते हैं, और इसको बदलने में कभी भी किसी भी सरकार की बहुत ज़ोरदार भूमिका नहीं रही। अभी नए गवर्नमेंट में आप देख रहे हैं कि अभी कुछ चीज़ों में बदलाव हो रहा है। तो हमने जो भी पढ़ा, इतिहास हमको किसने बताया, जो बुक्स में हम लोग ने पढ़ा तो वो सब फैब्रिकेटेड था। हमारे आज़ादी के समय में जो लोग शहीद हुए उनको अलग हटा के एक डिफरेंट आज़ादी की जो बातें पेश की गई थी जो अब धीरे धीरे खुलने लगी है, तो लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश अंग्रेज़ों की थी कि जाते जाते इस देश को इस तरीके से ख़त्म करते चले जाए। क्योंकि आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ों ने भारत पे जब आक्रमण किया था उस समय अंग्रेज जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो बहुत मतलब समझिए कि वहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। उन्होंने भारत से पैसा लूटना शुरू किया। अब पूरे वर्ल्ड में भारत ही ऐसा देश है जिसने कभी किसी पे चढ़ाई नहीं की। तो हमारा तो जो पुरातत्व या कहिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का है, और अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ 7 या 12 कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों ने शासन किया वहीं पर इंग्लिश का भी महत्व वहीं पर ज़्यादा है, बाकी और आप किसी भी देश में देखिए इंग्लिश का उतना महत्व नहीं है। तो अंग्रेज़ों द्वारा थोपी गई जो राजनीति
यहाँ के लोगों को सिखाई गई राजनीति, उस समय के राजा महाराजा जो जिनको अंग्रेजों ने जमीन अलॉट करना शुरू कर दिया था, तो वही गलत पद्धति आज तक चली आ रही है। और उन्होंने जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति अपनाई थी, उसका फायदा, उसका देखिए नुकसान हुआ कि भारत पाकिस्तान अलग हो गया, फिर बांग्लादेश अलग हो गया। तो भारत के टुकड़े जो हुए वो कहीं ना कहीं किसी गलत नीति के कारण ही हुए। और आज अब ये बहुत माइन्यूट स्केल पर भी जा रहा है कि अब हम जाति में लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो होता है कि वही मैटर करना चाहिए, बाकी सब एक है, उसमें कोई ऐसी कोई दो राय राहुल नहीं। यादव MY समीकरण की बात करते हैं, तो अब ये चर्चा हो रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए तो 14% यादव है, 17% मुस्लिम है, तो क्यों ना अगर यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो फिर मुस्लिम को क्यों नहीं देखिए, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता मुख्यमंत्री है? किसी व्यक्ति जाति का नहीं होता है। अगर हम किसी जगह के राजा हैं तो मेरे नज़दीक जो भी लोग हैं उन सबको मैं मैंने सबको मैं समान नज़र से देखूंगा। तो ये जाति व्यवस्था अगर हम आज ला रहे हैं तो सोचिए इसका भयानक रूप कितना होगा, क्योंकि आज हम इंडिया पाकिस्तान में जो उस समय जो बंटवारा हुआ उसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। तो किसी न किसी को तो ये स्टेप लेना होगा ना कि इस तरह की जो परंपरा है इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे फिर हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, इसी तरह की लड़ाई झगड़े का माहौल। तो हमारा दायित्व भी बनता है ना, अगर आपका अधिकार है तो वहाँ आपका दायित्व भी है कि आप पॉलिटिक्स को क्लीन कीजिए। और मैं हमेशा क्लीन पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, सबको साथ लेके चलने की बात करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में आप देखें कि 70 साल मतलब 7 जनरेशन अगर निकल गया है और फिर भी हम ये जाति और इस चीज़ की बात करते हैं, तो शायद हम किस तरफ जा रहे हैं और हम आगे विश्व में भारत की छवि को और माने एक इकोनॉमिकली साउंड अगर हम देश बनाना चाहते हैं तो इस तरह के चीज़ों से हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। सर, आप क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर नरेंद्र मोदी के बयान को देखा जाए तो वो कहते हैं कि कोई जाति नहीं होता है, सिर्फ एक गरीब का जाति होता है। तो आप क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये भी इससे मैच करता है कि वो किसी जाति को नहीं मानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, गरीब किसी जाति में भी हो सकता है, अमीर किसी जाति में भी हो सकता है। हमें तो वो देखना है ना कि जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड बैक माने जो बैक है उसको हाथ पकड़ के उठाना है, ना कि हम जाति के नाम पर विशेष सुविधा लेते रहें, तो ये गलत है। जिस JP नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कल बिहार के दौरे पर आए थे, इस दौरान उन्होंने कई ऐसे बयान दिए और साथ ही ये कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है या फिर उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो लेकिन अब जिस तरीके का बयान आया है, सम्राट चौधरी ये कह रहे थे कि अब अपने कंधों पर किसी को लेकर के नहीं चलने वाले, तो ये कहाँ तक उचित लगता है, हो सकता है कि चिराग पासवान के ऊपर निशाना हो? देखिए पॉलिटिक्स है ना, जोड़ तोड़ की राजनीति हो गई है। आज के दिन में सिर्फ जोड़ घटाओ गुना भाग होता रहता है। पॉलिटिक्स में आने का मतलब होता है कि हमको एक मौका, एक हमें एक कार्ड दिया गया है कि आप जनता की सेवा के लिए आपको चुना गया है। लेकिन अब क्या हो गया है कि दिन भर वो लोग अपनी कुर्सी, अपनी राजनीति ही डिस्कस करने लगते हैं। कहीं ये नहीं होता है कि आज मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, मुझे ये पद मिला है, अब मैं देश में और बिहार के लोगों को उत्थान की बात करूँगा। तो क्लीन पॉलिटिक्स यही होता है कि पॉलिटिक्स छोड़ के अब हम बिहार के डेवलपमेंट की बात करें, उसके लिए हम सब पार्टी का सहयोग लें। ऐसा नहीं है कि मेरी सरकार है तो सिर्फ मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूँ, हमारी जो अपोजिशन पार्टी है उनका भी सुझाव लें, उनको भी साथ लेके चलें कि अगर हम मुख्यमंत्री होते हैं तो हम सारे मैंने बिहार के सारे लोग के मुख्यमंत्री हैं, उसमें पार्टी दल विशेष ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन ये और होगा कि क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी को CM का फेस बनाया जा सकता है? देखिए, एक बड़े सोच और एक बड़े विजन के साथ कोई भी आएगा उसका स्वागत है। अब ये डिपेंड करता है कि किस पार्टी के रहें, उससे अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन आपका विजन बड़ा होना चाहिए। और बिहार को एक बड़े विजनरी लीडर की ज़रूरत है जो बिहार को आगे लेके जाए। सर, JP नड्डा ये कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टी जो है उनको समाप्त कर देना चाहिए, तो उन्होंने एक बयान पहले भी दिया था 2022 में, उन्होंने ये इस तरीके का बयान दिया था जिसके बाद जो है नीतीश कुमार NDA से अलग हो गए थे। लेकिन अब जिस तरीके का बयान दे रहे हैं कि क्षेत्रीय को समाप्त कर देना चाहिए, क्षेत्रीय दल को, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, ये लोगों के ऊपर निशाना साधे हैं? क्षेत्रीय पार्टियाँ अपने क्षेत्र के प्रॉब्लम्स को
को ज़्यादा समझती है, तो उनका सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जैसे देखिए कि कोई एक अस्पताल में एक डॉक्टर होता है, वो सीनियर डॉक्टर होता है, उसके अंडर में जूनियर डॉक्टर होता है, उसके अंडर में रेफरल डॉक्टर्स होता है, तो क्षेत्रीय पार्टियाँ क्षेत्रीय लोगों के प्रॉब्लम को ज़्यादा समझती है क्योंकि वो उनके साथ ज़्यादा समय बिताती है, तो उनसे सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है। हम पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें हम लोग ने आपको एक ऐसी जगह दी है जहाँ से आप हमारे बारे में सोचिए, एक आम जनता के प्रॉब्लम को समझें, उनके उनके दुख दर्द को समझें, उनके जो दिक्कतें आ रही हैं उनको एनालाइज करें और एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पर लगे कि एक समाज के उत्थान के लिए हमारे पॉलिटिशियन साथ। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में आपकी क्या राय, किस तरीके के प्रधानमंत्री आने चाहिए, किस तरीके के बिहार में मुख्यमंत्री बनने चाहिए और पल्ला किसका भारी लग रहा है? पल्ला से कोई ऐसा मतलब नहीं होता है। अभी बिहार को चाहिए एक बड़ा विजन वाला नेता जो भी हो, और जो भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनका वेलकम है। और जनता को ये समझना होगा कि इतने सालों के बाद अब जो रेस हो रहा है बिहार को आगे के लोगों के साथ या आगे जो हमारे और स्टेट हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है, जो आगे 50 साल का उनके पास लेखा जोखा हो कि हम ऐसे बिहार को ले जाना चाहते हैं। नहीं तो ये पॉलिटिक्स की जोड़ तोड़ चलती रहेगी, इस पर डिस्कस करना भी बेकार है क्योंकि इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। हाँ, एक डिस्कशन का एक विषय ज़रूर हो सकता है लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो एक अच्छे विजन, एक प्रॉपर विजन के साथ लोगों को साथ लेकर चलने वाला इस तरह का अगर कोई लीडर आता है तो मुझे लगता है कि बिहार जो है वो आगे जाएगा। और टीम वर्क की बात हमेशा मैं करता हूं, तो शायद अब समय आ गया है कि पॉलिटिक्स में भी टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी थे जिनसे हमने बातचीत की। हालांकि ये डॉक्टर लाइन से बिलोंग करते हैं लेकिन इनकी जो रुचि है हमेशा से पॉलिटिक्स में रही और हमेशा जो है ये क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हुए आए हैं। तो जिस तरीके से बिहार में जाति गणना के जो चर्चे चल रहे हैं, हमने सोचा कि इनसे भी इनकी राय ली जाए कि क्या कुछ इनकी राय है। बहरहाल, आप देख रहे थे IVTV, कैमरामैन हीरा के साथ मैं निशा, धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।